दोस्तों यहीं तक जो है वो उस समय जो है एलिवेटेड यहाँ तक जो ज्वाइंट दिख रहा है यहीं तक बना हुआ था, और यहीं पे मैं बताया था कि यहाँ पे गाड़ी आएगी, यहाँ से पैसेंजर यहाँ पे बैठेंगे और फिर वापस निकल जाएंगे, इस तरह का बात मैं उस वीडियो में बोला था। लेकिन दोस्तों ये जो अभी आप देख रहे हैं, जो कुछ भी देख रहे हैं, ये सब नया बना है और इसी का अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से आप। और दोस्तों आज का ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, अभी धूप है और मैं आपको पूरा एलिवेटर घूमकर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एलिवेटर जो जा रहा है ये फर्स्ट पे जा रहा है या सेकंड पे जा रहा है? ये सेकंड पे जा रहा है। ये सेकंड फ्लोर पे जा रहा है? हाँ। अच्छा, और फर्स्ट पे जा रहा है कहाँ पे? नीचे में। नीचे में जा रहा है? नीचे में। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा, वो जो है बस स्टॉप होगा। यहाँ से जो है ये एलिवेटर जो है दो रास्ता की तरफ जा रही है, एक इस साइड जा रही है। टोटल 38 जिला पूरे बिहार में पड़ता है और 38 जिला को दो बस प्राप्त से नहीं छोड़ा जा सकता है बस का। तो दोस्तों और दोस्तों ये जो रास्ता जा रही है, जो नया वाला गेट बनाया जा रहा है वहीं पे जाके ये मिल जाएगी। और इधर जो एरिया देख रहे हैं आप, ये सब पार्किंग एरिया है और आगे तो दोस्तों यहाँ पे मैं आ गया हूँ एकदम बैक साइड में जो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बैक कैमरे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिपार्टमेंट का, अगर इस बस स्टैंड में लाइट कट जाती है तो यहीं से जो है पूरे बस स्टैंड को इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाएगा। और इसी जगह से मैं शुरू किया था, यानी मैं पूरा राउंड ले लिया हूँ पूरे एलिवेटेड का। ये जो है वो दूसरा वाला गेट है जिसका निर्माण, तो वेलकम बैक दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूँ पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल यानी ISBT बस स्टैंड के अंदर। और दोस्तों आप लोग का बहुत पहले से कमेंट आ रहा था कि इस बस स्टैंड का विस्तारीकरण का कहाँ कितना विस्तार यहाँ पे किया जा रहा है इस बस स्टैंड को लेकर, उसके बारे में वीडियो बनाइए, तो उसी का अपडेट देने मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो सकती है तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको अच्छे समझ में आ पाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं चैनल टेक्निकल बिहार ब्लॉग। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं पीछे की तरफ जा रहा हूँ और दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है बसों का पार्किंग किया गया है। आगे चलते हैं, आगे देखिए यहाँ पे बिल्डिंग जो है इसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और यहाँ पे जो है ये सब पार्किंग एरिया है। मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको आगे दिखाने की कोशिश करता हूँ कि पार्किंग आगे कहाँ तक है, क्योंकि ये पार्किंग का हो सकता है आने जाने का रास्ता है। आगे मैं जाऊँगा तो कन्फर्म मुझे मालूम हो पाया कि पार्किंग जो बसों का होता है वो किस जगह पर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आ गया हूँ एकदम बैक साइड में, जो इस बस स्टैंड का बैक साइड है वहाँ पे आ गया हूँ। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ बर्स आपको दिख जाएंगे पार्क किया गया है और यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आप देखिए पार्किंग के लिए यहाँ पे एरिया बनाया जा रहा है और इसी एरिया में जो भी बस यहाँ पे रहेंगे उसको पार्क किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बैक कैमरे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए जो भी अभी यहाँ पे सरफेस बनाया गया है, जो भी मतलब सतह पे यहाँ पे जो पत्थर बिछाया गया है वो देखिए अभी ताज़ा ताज़ा है। और वहाँ पे देखिए मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा कि वहाँ पे जो है वर्कर जो है किस प्रकार से काम कर रहे हैं और पार्किंग के लिए किस प्रकार से यहाँ पे काम जो है पूरे पार्किंग एरिया में यहाँ पे किया जा रहा है। आप देख लीजिए इसका पूरा व्यू। और दोस्तों यहाँ पे देखिए किस प्रकार से क्रेन से सतह को बराबर किया जा रहा है और इस तरह का जो है वो पत्थर रखा गया है यहाँ पे और इसी पत्थर को देखिए यहाँ पे बिछाया गया है नीचे फर्श पे यानी जमीन पे और इस तरह बिछाकर जो है पार्किंग का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए इस साइड जो है पूरा पार्किंग एरिया है और इसके ठीक पीछे में यहाँ पे जो है ये मैं आपको पहली बार दिखा रहा हूँ, पीछे साइड का ये व्यू है बस स्टैंड का। यहाँ पे देखिए बिल्डिंग बनाए गए हैं, इसमें मॉल्स रहेंगे, सिनेमा हॉल, बहुत सारी चीज़ इसमें होने वाली है जिसका बैक व्यू मैं आपको अभी वीडियो में दिखला रहा हूँ। और दोस्तों ये जो रास्ता जा रही है, जो नया वाला गेट बनाया जा रहा है वहीं पर जाके ये मिल जाएगी, उस गेट से ये रास्ता बाहर निकलेगी। तो दोस्तों नया वाला गेट भी मैं आपको दिखाऊँगा कि वहाँ पर जो है उसका निर्माण जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है दूसरे वाले गेट का। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पीछे आप देख रहे हैं SH1 है और ये एलिवेटर जो है बनकर रेडी हो गया है। मैं आपको पिछला वीडियो में दिखलाया था कि ये एलिवेटर का काम अभी चल ही रहा है। तो दोस्तों अभी जो है ये एलिवेटर बन गया, तैयार हो गया है और इसके ऊपर मैं अभी खड़ा हूँ। और इधर से आते हुए मैं देखिए इधर तक का आपको आगे कहाँ तक एलिवेटर जाता है वहाँ तक का अपडेट आपको दिखलाने वाला हूँ। अभी मैं हूँ इस एलिवेटर के ऊपर यानी जिससे गाड़ियाँ होकर पार्किंग में जाएगी उसके ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ, जैसे ही मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ तो दोस्तों यहाँ से जो है ये एलिवेटर जो है दो रास्ता की तरफ जा रही है, एक इस साइड जा रही है, इस साइड आपके लेफ्ट साइड में जब इधर से आएंगे जब ऊपर चढ़ेंगे तो, और एक जो है इस साइड जा रही है जो पीछे की साइड आपको जा रही है पार्किंग की साइड में
जहाँ पे मैं आपको अभी कुछ देर पहले वीडियो रिकॉर्ड करके दिखला रहा था। तो दोस्तों ये उधर जा रही है पार्किंग के साइड में। तो दोस्तों इधर चलते हैं पहले और इधर कहाँ तक ये एलिवेटेड है उसको देखने की कोशिश करते हैं, और फिर इधर का जो एलिवेटेड है उसको आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये एलिवेटेड जो है कैसे कैसे आपस में कनेक्ट है। तो दोस्तों जो भी बस यहाँ से अभी खुल रही है उसका देखिए, मैं आपको इस एलिवेटेड पर से उसका पूरा व्यू दिखला रहा हूँ कि देखिए यहाँ से कैसा दिखता है। तो यहाँ पे जो मैं पिछला वीडियो शूट किया था एलिवेटेड का, जो बहुत मतलब पुराना वीडियो है, आप देखिएगा मेरे वीडियो सेक्शन में, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यहीं तक जो है वो उस समय जो है एलिवेटेड यहाँ तक जो ज्वाइंट दिख रहा है यहीं तक बना हुआ था, और यहीं पे मैं बताया था कि यहाँ पे गाड़ी आएगी, यहाँ से पैसेंजर यहाँ पे बैठेंगे और फिर वापस निकल जाएंगे, इस तरह का बात मैं उस वीडियो में बोला था। लेकिन दोस्तों ये जो अभी आप देख रहे हैं, जो कुछ भी देख रहे हैं, ये सब नया बना है और इसी का अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से आपको। तो दोस्तों यहाँ से जब मैं आपको आगे बढ़ रहा हूँ तो यहाँ से भी देखिए दो रास्ता कट जाती है, एक इधर जा रही है ऊपर के ऊपर और एक जो है नीचे की तरफ जा रही है यहाँ से ऐसे। तो दोस्तों ये नीचे चली जा रही है पार्किंग के लिए, आगे बढ़ते हैं देखते हैं कहाँ पे जा रही है, उसके फिर मैं वापस आऊँगा। और दोस्तों आज का ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, अभी धूप है और मैं आपको पूरा एलिवेटर घूमकर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए वो एलिवेटर जो आया है यहाँ पे, इस तरह से मैं यहाँ पे आया हूँ और देखिए ये पार्किंग के फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे ये एलिवेटर लाकर छोड़ दिया, यानी पार्किंग के लिए वहाँ से कोई जब आएंगे तो मेन रोड से इस एलिवेटर को जैसे जैसे मैं आया हूँ उस एलिवेटर को फॉलो करते हुए फर्स्ट फ्लोर के पार्किंग तक कोई भी व्यक्ति अपना गाड़ी पार्क कर सकते हैं, जब ये बनकर रेडी हो जाएगा तब, अभी नहीं। और दोस्तों मैं वापस से ऊपर जा रहा हूं और जो ओला दिखाया था आपका एलिवेटर जो ऊपर की तरफ जा रही थी उसको आपको दिखाता हूं कि वो किधर जा रही है। दोस्तों अभी मैं उसी जगह पे आ गया हूं जहां से मैं यहां से अभी नीचे गया था और अब चल रहा हूं इस साइड में ऊपर की तरफ कि ये कहां जा रही है। तो मैं आगे बढ़ता हूं और वीडियो में आप बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए तो आपका पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस बस स्टैंड को किस प्रकार बनाया जा रहा है। दोस्तों इस एलिवेटर के माध्यम से मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ और मैं पीछे की तरफ आपको दिखा देता हूँ कि एलिवेटर जो है आगे की तरफ जा रही है। मैं आगे बढ़ता हूँ, अभी कचरा बिखरा हुआ है, फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, आपको पूरा अपडेट देने के लिए आगे बढ़ता जा रहा हूँ। और दोस्तों मुझे पैदल जाना पड़ रहा है, ऐसा मत सोचिए कि मैं गाड़ी लेकर इस फ्लाईओवर पे यानी इस एलिवेटेड पे आया हूँ, क्योंकि अभी दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा कचरा फैला हुआ है, कांटे भी गिरा हुआ है नीचे में और यहाँ पे आप देखिए सामने कितना कचरा है। तो मैं पैदल ही पूरे एलिवेटेड को कवर कर रहा हूँ यहाँ पे। दोस्तों मैं जब यहाँ तक पहुँचा हूँ तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है इस एलिवेटेड को यहाँ पे कनेक्ट किया गया है, हो सकता है यहाँ पे गाड़ी आएगा, यहाँ से पैसेंजर बैठेंगे और उस गाड़ी पे बैठ करके पैसेंजर जहाँ जाना है पैसेंजर को वो गाड़ी उन्हें लेकर चली जाएगी। और आगे भी ये एलिवेटेड जा रहा है, मैं उस साइड भी चलता हूँ, आगे दिखलाता हूँ कि कहाँ तक जा रही है एलिवेटेड। और दोस्तों अभी मैं जहाँ पे हूँ ये सेकेंड फ्लोर का एलिवेटेड है, मतलब सेकेंड फ्लोर पे जो कुछ भी बता रहा हूँ ये सेकेंड फ्लोर से यही से कनेक्ट किया गया है। तो दोस्तों यहाँ से मैं जब आपको आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको अपडेट देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ से देखिए उसी के जैसा यहाँ पे जो है ऊपर से जा रहा है एलिवेटेड और एक नीचे की साइड से यहाँ पे जा रहा है। तो चलिए चलते आगे और आगे कुछ नॉलेज प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये एलिवेटेड जो है वो कहाँ पे जा रहा है और कौन से फ्लोर पे जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो वर्कर इंजीनियर काम कर रहे हैं उनसे मैं पूछता हूँ कि ये एलिवेटेड जो है ये कहाँ जा रहा है। तो सर अपना सबसे पहले नाम बताइएगा आप। अनुकुमार मांझी आपका नाम मांझी। तो ये एलिवेटेड जो जा रहा है ये फर्स्ट पे जा रहा है या सेकंड पे जा रहा है? ये सेकंड पे जा रहा है। ये सेकंड फ्लोर पे जा रहा है? हाँ। अच्छा, और फर्स्ट पे जा रहा है कहाँ पे? नीचे में। नीचे में जा रहा है, नीचे में। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा, देखिए वो नीचे से जो ये वाला जो जा रहा है ये एरिया आप देख रहे हैं ये फर्स्ट फ्लोर का है। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों ये सामने जो एलिवेटेड जा रही है सेकंड फ्लोर पे जा रही है और जब यहाँ पे इसके नीचे से जा रही है यहाँ पे जो है ये है फर्स्ट फ्लोर, ये आपका नीचे से कनेक्ट किया गया है इसे। तो फिर नीचे चलते हैं और नीचे जाकर के आपको दिखाते हैं कि कहाँ से इसे कनेक्ट किया गया। तो दोस्तों यहाँ से मैं आपको आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ जो ये सेकेंड फ्लोर पर जा रही है और यहाँ से ये रोटेट होते हुए राउंड होगी आगे सेकेंड फर्स्ट फ्लोर पर। तो यहाँ पर अभी ये सेकेंड फ्लोर है तो मैं यहाँ पर भी आया हूँ और यहाँ पे जो अभी रास्ता बंद किया गया है, यहाँ पे रास्ता बंद है क्योंकि अभी जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो यहाँ से जो है वो जाएगी और वो ऐसे आते हुए राउंड होते हुए यहाँ पे देखिए इस तरह से ऐसे निकल जाएगी, यानी ये सेकेंड फ्लोर को मिलाएगी। ये जो है फर्स्ट और सेकेंड दोनों से कनेक्ट है। तो दोस्तों अभी मैं एलिवेटेड के ऊपर हूँ और एकदम पीछे साइड में हूँ, देखिए यहाँ पे बिल्डिंग है
और यहाँ से मैं सामने से अभी आया हूँ, और यहाँ से जो आपको मैं दिखलाया था कि वहाँ पे बस पार्किंग है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था मुझे, वो जो है बस स्टॉप होगा जैसे आगे में फ्रंट में आप जब इन करते हैं ISBT बस स्टैंड यानी पाटलिपुत्रा बस स्टैंड में इन करते हैं, तो वहाँ पे जैसे दो शेड बनाया गया उस तरह से यहाँ पे जो है बस पड़ाव होगा, और यहाँ से भी कुछ बसें खुलेंगी चूँकि जो है वहाँ पे दो बस पड़ाव है, दो बस पड़ाव में टोटल 38 जिला पूरे बिहार में पड़ता है, और 38 जिला को दो बस पड़ाव से नहीं छोड़ा जा सकता है बस का, तो दोस्तों इसीलिए यहाँ पे भी बस पड़ाव बनाया जा रहा है। और इधर जो एरिया देख रहे हैं आप, ये सब पार्किंग एरिया है, और आगे बहुत लंबा पार्किंग एरिया बनने वाला है जो कि वहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और उसी जगह पे जो है जो बस जो मतलब जिनका टाइमिंग लेट से 2 घंटे 8 घंटे बाद खुलना है, वही बस पार्किंग पड़ाव पे वो लगे रहेंगे, यानी पार्किंग में वो लगे रहेंगे, जब उनको खुलने का टाइम हो जाएगा आधा एक घंटा पहले, वो इस वाले बस पड़ाव पे या फिर जो फ्रंट से आप घुसते हैं ISBT यानी पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल के अंदर, वहाँ से भी वो बस का संचालन चलता रहेगा। तो उसी एलिवेटेड के सहारे मैं अभी यहाँ पे आ गया हूँ दोस्तों, इधर क्या बोलता है आपका उत्तर और पश्चिम की दिशा में कॉर्नर पे, तो दोस्तों यहाँ पे एलिवेटेड के ऊपर हूँ मैं, और आगे चलता हूँ आपको उस साइड में जाऊँगा जहाँ से मैं स्टार्ट किया था, वहीं पे जाके आपको एलिवेटेड का जो भी कुछ समझा रहा वहीं पे इन करूँगा, और फिर आगे दिखलाऊँगा कि कहाँ पे इसका जो दूसरा गेट है वो बनाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये पूरे बस स्टैंड आपको पहले भी वीडियो देखे होंगे तो पता होगा कि ये कुल 3 ब्लॉक में बनाया जा रहा है, ये जो सामने ब्लॉक है ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये जो एरिया है ये दूसरा ब्लॉक है, ये वाला जो है आपका ए ब्लॉक है, और उसके बगल में वो वाला जो है बिल्डिंग वो बी ब्लॉक का बिल्डिंग है, और सबसे आगे जो फ्रंट में जब आप इन करते हैं तो वहाँ पे जो है सी ब्लॉक है, वहाँ पे आपको चलूँगा और दिखलाऊँगा कि सी ब्लॉक कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सामने आप देख रहे हैं चिमनी टाइप का इस तरह का बनाया गया है, दोस्तों यहाँ पे जो है जनरेटर इंस्टॉल किया गया है, और बगल में जो है कंट्रोल रूम है बिजली डिपार्टमेंट का, अगर इस बस स्टैंड में लाइट कट जाती है तो यहीं से जो है पूरे बस स्टैंड को इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाएगा, और यहां पे जनरेटर भी आप देख रहे हैं तो इसी के माध्यम से पूरे बस स्टैंड को जो है वो लाइट दिया जाएगा जब लाइट कट जाएगी किसी कारण बस तब। तो इस एलिवेटेड के सहारे मैं आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आया हूँ, और दोस्तों यहाँ पे देखिए ए एलिवेटेड जो है यहाँ पे ब्लॉक ए से जो है कनेक्ट किया जा रहा है, यहाँ पे कनेक्ट हो गया, देखिए काम अभी चल रहा है यहाँ। और दोस्तों देखिए मैं आगे बढ़ते बढ़ते जहाँ से वीडियो शुरू किया था वहीं पे कुछ देर में पहुँचने वाला हूँ, और दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि मैं जो हूँ जो भी बस स्टैंड में ए बी और सी ब्लॉक है उसका पूरा राउंड ले लिया हूँ, और आपका जो भी एलिवेटेड अभी तक बनकर तैयार हुआ है उसका पूरा अपडेट दे पाया। और दोस्तों जहाँ से मैं एलिवेटेड के लिए आपको अपडेट देने को शुरू किया था उसी जगह पे आ गया हूँ, और दोस्तों देखिए यहीं से मैं वीडियो स्टार्ट किया था एलिवेटेड का पूरा खेल आपको समझाने के लिए। तो दोस्तों देखिए वहाँ पे जो है SH1 है, और इसी जगह से मैं शुरू किया था, यानी मैं पूरा राउंड ले लिया हूँ पूरे एलिवेटेड का कि आखिर इस एलिवेटेड जो है से कैसे कैसे कनेक्ट किया गया, और ये एलिवेटेड जो है किस प्रकार काम करेगी, और इस एलिवेटेड से कहाँ कहाँ गाड़ियाँ या फिर गाड़ी पार्किंग करने के लिए कौन से फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे जाएगी। और दोस्तों अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, पिछला बार जब वीडियो बनाया था आज से 3-4 महीने पहले, तो इतना फर्निश नहीं था, मतलब फिनिशिंग नहीं किया गया था यहाँ पे, यहाँ पे फर्श जो था वो मतलब कंक्रीट था, यहाँ पे बहुत सारे सामान बिखरे पड़े थे, लेकिन अभी देखिए कितना फिनिश हो गया है। और ये जो है ब्लॉक ए है, और दोस्तों देखिए सामने ब्लॉक सी है, और ये जो है पूरा ब्लॉक सी का जो है वो बिल्डिंग है, यहाँ पे देख लीजिए आप। दोस्तों अभी मैं हूँ ब्लॉक सी वाले बिल्डिंग में, और दोस्तों यहाँ से चलता हूँ नीचे, दोस्तों अभी लिफ्ट चालू नहीं हुआ है, तो यहाँ पे देखिए इस दरवाज़ा के नीचे सीढ़ी है, और मैं सीढ़ी से ही नीचे जाऊँगा, अभी सेकेंड फ्लोर पर हूँ तो मैं नीचे जा रहा हूँ। और दोस्तों अब मैं निकलूँगा यहाँ से बाहर बस स्टैंड से गाड़ी लेकर, और जो दूसरा गेट बनाया जा रहा है उसे आपको दिखलाऊंगा कि उसका वर्क प्रोग्रेस अभी क्या है, कितना काम हुआ है दूसरे वाले गेट के लिए। तो चलिए चलते हैं बाहर, मिलते हैं आपसे। दोस्तों यहाँ पे मेरे पीछे साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पे पेयजल की व्यवस्था, यानी आपको अगर प्यास लगी है तो इस जगह पे आकर आप अपना प्यास बुझा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मेन गेट है, और मेन गेट के ठीक आप घुसेंगे तो राइट साइड में यहाँ पे कुछ होटल वगैरह है जहाँ पे आप आकर थोड़ी बहुत नाश्ता आप कर सकते हैं, पानी ले सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको वादा किया था कि आपको बाहर निकलने के बाद नया वाला जो गेट बन रहा है उसको दिखलाऊंगा, तो दोस्तों अभी इसी गेट से एंट्री और एग्जिट हो रहा है, मतलब इसी गेट से गाड़ियाँ अंदर जा रही है और बाहर निकल रही है।
दोस्तों यहाँ पे ये जो है पुराना वाला गेट है, लेकिन जब मैं आगे बढ़ूंगा इस साइड में, मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से और आपको दिखलाता हूँ कि कहाँ पे जो है दूसरा वाला गेट का निर्माण जो है वो किया जा रहा है। तो दोस्तों मैं आगे बढ़ रहा हूँ, देखिए इस तरह से यहाँ पे पहले बाउंड्री था, वो बाउंड्री को अभी तोड़ दिया गया यहाँ पे, और तोड़ करके जो है यहाँ पे जो है गेट का निर्माण किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे बाउंड्री जो है, बाउंड्री का जो अवशेष जो होता है, जो दीवार होता है, वो यहाँ पे देखिए नीचे गिराया गया है, मतलब उसे तोड़ा गया है ताकि अच्छे से जो है दूसरा गेट का निर्माण जो है वो किया जा सके। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ और दोस्तों बस थोड़ी दूर और है, मैं आ गया हूँ। और यहाँ पे देखिए ये जो आप देख रहे हैं लिंटर किया गया है यहाँ पे, यही जो है वो दूसरा वाला गेट है जिसका निर्माण अभी किया जा रहा है। मैं यहाँ पे बैक कैमरे से आपको दिखला दूँ कि अभी इसमें क्या कुछ काम हुआ है और क्या कुछ काम होना बाकी है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये लिंटर किया गया है और बगल में ये लिंटर किया गया है और आगे जो सामने ट्रक खड़ी है, मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो काम हो रहा है ये दूसरा गेट का काम हो रहा है, यानी जो दूसरा वाला गेट बनाया जा रहा है उसी का ये जो नक्शा तैयार हो गया है। मिट्टी वगैरह देखिए यहाँ पे भरा जा रहा है ताकि जो पानी जमा है नीचे में उसे बराबर कर करके दूसरे गेट का निर्माण जो है वो अच्छे से किया जा सके। देखिए वहाँ पे सामने क्रेन भी है जो अपना काम कर रही है। तो दोस्तों आप सबका बहुत पहले से जो डिमांड था, कमेंट आ रहा था कि इसका विस्तार के बारे में बताइए, तो दोस्तों शायद मैं इस वीडियो में इसके विस्तार को अच्छे से कवर कर पाया हूँगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ में अभी तक टेक्निकल बिहार ब्लॉग को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय बिहार।